हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आप लोग कैसे जो SEO है, ऑन पेज SEO है, वो आप कैसे करोगे। तो ऑन पेज SEO करने के लिए क्या क्या तरीका है, वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और ऑन पेज SEO करने से, इसका मतलब SEO करने से आपका जो ब्लॉग है, ब्लॉग अगर गूगल में कोई सर्च करेगा उस टॉपिक के बारे में, तो आपका जो ब्लॉग है वो पहले आएगा, तो सर्च लिस्ट में पहले आएगा। तो इसलिए ऑन पेज जो SEO है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चल रहा है ब्लॉग का सीरीज, और मैं पिछले दिन बहुत वीडियो दिया हूँ। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। ब्लॉग का सीरीज चल रहा है, तो इसलिए अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे ऑन पेज SEO करते हैं आपके ब्लॉग का। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे आप लोग कैसे आपका जो ब्लॉग है, ब्लॉग का जो पोस्ट है, उसका ऑन पेज SEO करते हैं। तो ऑन पेज SEO कैसे करना है वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये ब्लॉग का जो पोस्ट लिखने वगैरह का जो पोस्ट था, ये लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लॉग को मोनेटाइज करते हैं, और अर्निंग का रिलेटेड कुछ वीडियो इसके बाद डालूंगा। और यही जो पोस्ट का जो यही लास्ट वीडियो है, तो अच्छे तरीके से देख लेना ऑन पेज SEO कैसे करते हैं। तो इसलिए मैं एक ब्लॉग लिख के रखा हूँ, अब नहीं तो लिखने जाता तो ब्लॉग बहुत टाइम लग जाता आपके सामने लाइव। तो इसलिए पहले यहाँ पर नीचे जो प्लस का एक ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू पोस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ब्लॉग का लिखने का जो पोस्ट का लिखने का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप, मैं पहले भी दिखाया आपको पोस्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट लिख के रखा हूँ, तो इस पोस्ट को हमको कॉपी करना है। मैं यहाँ से पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली करने के बाद इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्लॉग का जो पोस्ट है, पोस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। तो इस हेडिंग को यहाँ से काट कर लेते हैं, काट करके ऊपर में जो टाइटल है, टाइटल में इसके हेडिंग को दे देते हैं। ये हेडिंग हो गया, और इसको ऊपर में कर देते हैं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट हमने लिख के रखे थे, इसको यहाँ पर डाल दिया। तो ये पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर लेबल लगाना होगा, ठीक है। तो लेबल ये न्यू जॉब का है, तो यहाँ पर न्यू जॉब में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू जॉब में क्लिक कर दिया। करने के बाद आपको ऑन पेज SEO करने के लिए फर्स्ट टाइम जो करना पड़ेगा वो है, यहाँ पर कुछ कुछ जगह है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर IOCL, मान लो IOCL जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको हमको कॉपी करना है, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको गूगल में सिंपली आपको सर्च करना होगा। तो मैंने इसको पेस्ट करके गूगल में सर्च कर दिया, और इंडियन ऑयल का जो पोस्ट वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आ गया। तो इसका जो लिंक है, हमको इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको, आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट किए हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऊपर में एक लिंक का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट और एडिट लिंक, आप ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो इंसर्ट और एडिट लिंक में आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एडिट URL, यहाँ पर क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर एंटर जो, यहाँ पर URL टू लिंक, लिंक टू यहाँ पर लिखा जो है, यहाँ पर आपको सिंपली उस लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन में टिक मार्क देना है, देने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देने से आप देख सकते हो ये जो लिंक है, ये लिंक नीला हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, ब्लैक था ब्लू हो गया। तो अगर कोई बंदा अगर इस लिंक यहाँ पर या इस नीले वाले बटन यहाँ पर क्लिक करेगा, इस टैग के ऊपर क्लिक करेगा, तो आपको ये जो पेज है इस पेज में उसको ले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ कुछ जो टाइप है लिखा है उसके ऊपर ऐसे ही कर देना है। तो मान लो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। IOCL जो नीचे लिखा है इसको भी कर देते हैं। लिंक पे गया, एडिट क्रिएट यूर लिंक, यहाँ पर लिंक डाल दिया। डालने के बाद ये दोनों में क्लिक कर दिया, टिक दे दिया, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। ये भी नीला हो गया, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बहुत सारी जगह में ऐसे ही आपको लिंक डाल देना है, ठीक है।
अगर आप चाहते हो आपका ब्लॉग का लिंक देने के लिए वो भी डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको ब्लॉग ओपन करना है। मेरा ब्लॉग मैंने ओपन कर लेता है, देखते हैं कैसे करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप देख लो ऑन पेज इसको आपको कैसे करना है। तो व्यू योर ब्लॉग ऊपर में जो एक ऑप्शन है मेरा ब्लॉग का, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद ब्लॉग खुल गया। तो ऊपर में जो लिंक है ये है मेरा ब्लॉग का लिंक, तो इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पोस्ट पर मुझे कहाँ डालना है देख लो। इस लिंक को हमको मान लो कहाँ डालते हैं देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है यहाँ पर यहाँ सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पर लिंक में क्लिक कर दिया, एडिट यूआरएल। उसके बाद यहाँ पर मेरा ब्लॉग का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सरकारी जॉब अपडेट डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, दोनों बॉक्स में टिक दे दिया। उसके बाद ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने से क्या होगा, आपका जो ब्लॉग का यूआरएल है, अगर कोई बंदा अप्लाई ना ऑनलाइन पे क्लिक करेगा तो आपका जो ब्लॉग है ब्लॉग पर वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ब्लॉग का जो पोस्ट है पोस्ट को ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ। तो ऐसे ही कुछ कुछ जगह में आप कुछ कुछ जगह में आपका ब्लॉग का या जिस टाइप का वीडियो आप जिस टॉपिक पर आप पोस्ट दिए हो उस पोस्ट का यूआरएल आप कहाँ कुछ कुछ जगह में डाल दो। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पर डाल सकते हो, तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ब्लॉग का लिंक, तो यहाँ पर एडिट यूआरएल में गया, यहाँ पर ब्लॉग का लिंक दे दिया, देने के बाद दे दिया इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा ब्लॉग का लिंक होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो मेरा सिंपली मेरे ब्लॉग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट दिखाते हैं। अब दूसरा पार्ट दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पिक्चर देना पड़ेगा। मैं पहले वीडियो में आपको दिया था पिक्चर ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लो यहाँ पर पिक्चर लगाना है, तो इसके यहाँ पर एंटर मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर लगाना है, तो इसके लिए सिंपली पिक्चर के ऊपर जाना है, अपलोड फॉर कंप्यूटर में जाना है, ब्राउज में क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ले लेते हैं पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर ले लिया। सॉरी, उसको पहले आपको एक चीज़ करना होता है, आपको यहाँ पर IOCL रिक्रूटमेंट 2020 जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपका जो इमेज है इमेज के ऊपर जाना है, इमेज के ऊपर रीनेम करना है। रीनेम में आपको वही IOCL रिक्रूटमेंट 2020 यहाँ पर इमेज के रीनेम पे कर देना है। कर देने के बाद उस इमेज को आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाते हैं, ब्राउज में क्लिक करते हैं। उसके बाद IOCL रिक्रूटमेंट 2020 आ गया, इसको ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो पिक्चर है पिक्चर भी ऑप्टिमाइज होगा। तो यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ पर जो पेन का निशान है यहाँ पर क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ ऑल्टर टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट देना है, तो ऑल्टर टेक्स्ट में पहले मैं ये पेस्ट कर दिया, टाइटल टेक्स्ट में भी ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल का जो देखते हैं गूगल में इंडियन ऑयल के सर्च लिस्ट में और क्या क्या सर्च होते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, IOCL ऑनलाइन, IOCL रिक्रूटमेंट 2020, ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड भी बहुत सर्च होते हैं, IOCL रिक्रूटमेंट 2020 आप देख सकते हो। ठीक है, फिर से लिखते हैं, वो चला गया IOCL RECRUITMENT। ठीक है, ये जो कीवर्ड है एक बार कीवर्ड भी बहुत सर्च होते हैं, तो इसको हमको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। क्या रहा है, ठीक है, इसको सिंपली आपको ये जो कीवर्ड है इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है या कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसके बगल में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, दो ऑल्टर टाइटल टेक्स्ट हो गया, एक ऑल्टर टेक्स्ट हो गया।
उसके बाद इसको यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपडेट में आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये जो इमेज है, इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। देखो इमेज के ऊपर जाओगे तो IOCL रिक्रूटमेंट 2020, IOCL रिक्रूटमेंट 2020 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐसे ही जो है इमेज ऑप्टिमाइज आपको करना है। इमेज ऑप्टिमाइज हो गया, इमेज ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पर लेवल दे दिया न्यू जॉब का। और एक लास्ट आपको जो करना है वो ये ऑन पेज SEO के बहुत हेल्प करता है, वो है सर्च डिस्क्रिप्शन। राइट साइड में यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको सर्च डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आपको परमालिंक, परमालिंक मैंने वो उस दिन दिखाया कस्टम परमालिंक कैसे देना है। तो कस्टम परमालिंक में आपको देना है IOCL रिक्रूटमेंट 2020, और इस गैप में जो है गैप में आपको यहाँ पर डैश देना है। दोनों गैप में जितना छोटा परमालिंक होगा उतना अच्छा होगा। तो परमालिंक सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दो। सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, आप जो पोस्ट डाल रहे हो उस पोस्ट के मुताबिक आपको छोटा एक कुछ पैराग्राफ की तरह मैंने यहाँ पर जो लिखे है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डिवीजन हैज़ पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, ऐसे ही कुछ छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। आप जो पोस्ट डाल रहे हो उस पोस्ट के मुताबिक आपको एक छोटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना होगा। तो आपका जो पोस्ट है पोस्ट के मुताबिक लिख लीजिए। लिखने के बाद 150 वर्ड के लिखना, लिखने के बाद इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हो मैंने दे दिया। तो सर्च डिस्क्रिप्शन, परमा लिंक और लेबल वगैरह ये सब देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो आपका पोस्ट है पोस्ट को आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर पब्लिश कर देना है, इसको कॉन्फर्म कर देना है। कॉन्फर्म करने से पब्लिश पोस्ट पब्लिश हो गया है, आप देख सकते हो पोस्ट पब्लिश हो गया है। तो हम लोग अब ब्लॉग में जाके देखते हैं। तो व्यू योर ब्लॉग में क्लिक कर देते हैं। व्यू योर ब्लॉग में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो पोस्ट हमने डाले थे अभी IOCL रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखो आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऑन पेज SEO करना है। ऑन पेज SEO करोगे तो आपका जो पोस्ट है गूगल में ज़्यादातर ज़्यादा अच्छी तरीके से रैंक कर जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा इमेज में क्लिक करेगा आपको पोस्ट में आ जाएगा, अगर कोई बंदा पोस्ट में क्लिक करेगा आपका पेज में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऑन पेज करना है ब्लॉग का। तो यही आखिरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा आपका जो ब्लॉग है ब्लॉग को कैसे मोनिटाइज करते हैं। पैसा सबको कमाना है इसलिए मोनिटाइज कैसे करते हैं आखिरी वीडियो में आपको दे दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फिर लोगों के साथ शेयर करना। और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।